कोरोना संक्रमण के कारण पिछली साल के कई महीने कठिन दौर से गुजरे हैं। विराम, रोजी रोजगार और पढ़ाई ठप हो गई थी। विराम, अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा। विराम, बिहार में सोमवार से स्कूलों में कुछ कक्षाएं शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत तब हो रही जब देश को 2 कोरोना वैक्सीन मिल गई है। विराम, वैक्सीन देने का काम शीघ्र शुरू होगा। विराम, इस बीच स्कूलों में पढ़ाई शुरू होना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। विराम, कोरोना के भय से हम थोड़ा उबरे तो कार्यालय बाजार और कारखाने खोले गए, फिर धीरे धीरे अन्य प्रतिबंध शिथिल हुए। स्कूलों का खुलना इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी नहीं खुल रहे। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक सभी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह शुभ संकेत है। विराम, हालांकि ऐसी परिस्थिति में सतर्कता और बढ़ानी होगी। बच्चों को स्कूल भेजने के क्रम में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन जरूरी होगा। स्कूल आने जाने, कक्षाओं में बैठने, लंच ब्रेक और खेल जैसी तमाम गतिविधियां नियमों के दायरे में रहकर चलेगी। अब अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के अन्य कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिभावक बच्चों को पूरी सतर्कता से स्कूल भेजें। विराम, उन्हें समझाइए, गाइडलाइन बताएं और निगरानी रखें। विराम, स्कूल प्रबंधन भी नियमों को लेकर पूरी ईमानदारी और कड़ाई बरतें। विराम, प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तो औचक निरीक्षण के पुख्ता इंतजाम भी किए जाने चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विराम, घर से लेकर स्कूल तक बच्चों पर निगाह रखनी होगी। विराम, अनुभव यह बता रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प तो हो सकती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। विराम, यह बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद नहीं कर सकती। विद्यालय जाना, कक्षाओं में पढ़ना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होना बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। विराम, ऑनलाइन पढ़ाई के नुकसान के तमाम उदाहरण सामने आए हैं। बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ते पढ़ते अन्य ध्यान भटकाने वाले गेम्स और वीडियो देखने लग रहे हैं। विराम, जिन बच्चों के पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे उनके लिए घर बैठे पढ़ाई कठिन थी। इस लिहाज से स्कूलों का खुलना अत्यंत जरूरी था। पैरा